हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रानी पोरवाल 49.50 में। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर बनाया है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का यूज किया है। और ये 20-20 रुपए वाली छोटी वाली बोतलें हैं मेरे पास, काफ़ी मैंने इनको स्टोर कर लिया था। तो आज बारिश का मौसम था, बहुत ही सुहावना, तो फिर गार्डन से दूर कैसे रह सकते हैं हम गार्डनर लोग। तो बस शुरू हो गई कि क्या किया जाए, तो मैंने कुछ काम कर लिया था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने मतलब YouTube फैमिली के साथ भी ये शेयर कर लूं, क्योंकि कुछ यूनिक था। बाकी डेली का तो मैं इतना नहीं बना पाती हूं। और दोस्तों देखिए, ये मैं बना रही हूं, आप लोगों को दिखाया, लास्ट में बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। काफ़ी मेहनत तो लगी लेकिन मज़ा आ गया। जब इसमें मैंने इसमें वो 9 o'clock लगाया है, जब इसमें अच्छे फूल खिलेंगे। मैंने हर कलर का लगाया है, 6 बोतलों में मैंने 6 कलर की लगाई है, बहुत ही सुंदर लगेगा। और देखिए आप लोग दोस्त,
तो दोस्तों ये रेडी हो गया है, मैंने कलर भी कर दिया है और इसको सूखने के लिए मैंने टांग दिया है। जब तक ये सूखता है तब तक मैं एक मौसम मस्त है तो एक सोचा मूवी देख लूँ और एक कप चाय भी पी लूँ, तब तक ये भी सूख जाएगा। तो मैं लग गई हूँ मूवी देखने और बस एक चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी छत पे और फिर देखते हैं करेंगे। फिर इसमें सूखने के बाद कुछ प्लांट्स लगाऊंगी। और मैं आ गई हूँ काफ़ी टाइम बाद, जब ये अभी बहुत अच्छे से नहीं सूखा है लेकिन फिर भी मैं मुझ पे चैन कहाँ, गार्डन में जाए बिना चैन कहाँ। लेकिन अभी ये कुछ सूखा है, कुछ अभी गीला भी है, लेकिन मैं अपना काम चालू कर दी हूँ। इनको मैंने एक रस्सी में टांग दिया है ऊपर फ़िलहाल तो, और बैठ के आराम से इसमें मिट्टी और बालू भरी है। बालू ऊपर से भर दी है थोड़ी सी, बाकी नीचे मिट्टी है दोस्तों। बालू इसलिए भरी है क्योंकि इसमें जो मैं प्लांट लगाऊंगी 9 बजिया या जो भी, तो वो अच्छे से इसमें मतलब पुश हो जाएगी। उसके बाद पानी डालूंगी तो ये अपनी जगह सेट कर लेंगे। तो ये इसमें तो दोस्तों मैंने एक में वो लगाई है वांडरिंग ज्यू, और ये वो लगाई है मैंने क्या बोलते हैं, नाम भी नहीं याद आता जो भी है जल्दी में, और ये क्या नाम है इसका, अरे भाई दिन भर नाम लेते हैं इस टाइम याद ही नहीं आ रहा। तो ये मैंने इसमें लगाई है बीचों बीच में, बाकी सब में मैंने अलग अलग कलर की 9 o'clock लगाई है दोस्तों। और ये लगाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे, देखिए। तो दोस्तों ये मैंने लगभग सब में लगा दिया है और अभी ये बहुत ही सुंदर बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी तो इसमें प्लांट लगा के ओके कर दिया है। अभी मैं इन बोतलों पे और भी डॉट डॉट करूंगी अदर्स कलर से या फेस बनाऊंगी, कुछ तो करूंगी। अभी ये मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसको बहुत ही सुंदर बनाऊंगी और इसको अपने गार्डन की किसी एक दीवार की शोभा, दीवार पे जो है ना एक लुक अलग ही आएगा इससे। और मैंने गोल वाला सोचा था लेकिन बना दिया ये, क्योंकि ये पाइप गोल वाला भी बनाऊंगी किसी दिन,
उसके लिए भी मेरे पास अभी काफ़ी बोतलें पड़ी हैं। एक गोल वाला भी बनाऊंगी, वो भी बहुत सुंदर लगता है गार्डन में, और लुक ये भी अच्छा लग रहा है और गोल वाला भी अच्छा लगेगा। आप लोग दोस्तों देखिए, दोस्तों ये मेरे 9 बजिया में 9 o'clock में तोरई की बेल निकली है, बताइए इसमें क्या। लेकिन मैंने हटाई नहीं, क्योंकि ये ग्रीन तो है ही ना, हटाने से क्या मिलेगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और मैंने कल काफ़ी मेहनत की थी गार्डन में, और बारिश हो गई तो मेरी सारी मेहनत आज सफल हो गई है। मैंने कई प्लांट्स भी लगाए थे न्यू विंटर वाले, सारे सेट हो चुके हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छा लगा कि आज बारिश हो गई। मैंने आज मॉर्निंग में रोज़ प्लांट भी रिपोर्ट किए थे, उनको भी बारिश की वजह से काफ़ी मतलब अच्छे से सेट हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए, अभी फाइनल में मेरी खुशी कितनी अच्छी मतलब फील हो रही है, पूछिए ही मत, मैं बता नहीं सकती आपको। अब अपने सारे प्लांटर में अच्छे से पानी दे दिया है मैंने, अब इसको मैं अपना मतलब जीने में रखूँगी, टांगूँगी, क्योंकि अभी दोस्तों ये पेंट भी गीला है और अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो बस इसको मैं अपना कहीं इंडोर रखूँगी कम से कम एक दिन के लिए, जब तक ये कलर अच्छे से सेट नहीं हो जाता। और दोस्तों कैसा लगा मेरा DIY और बोतलों का यूज, ज़रा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अपने इस चैनल को मोटिवेशन दीजिएगा। और बस दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों, सच बता रहे हैं। बाहर की दुनिया से बहुत सुकून है यहाँ की दुनिया में, गार्डनिंग में। ओके दोस्तों, बाय।